औरंगाबाद दो पे तीन फ्री, यानी पांच चीजें लेने पे सिर्फ दो के पैसे दीजिए और 70% भी डिस्काउंट पाइए, सिर्फ और सिर्फ डिकॉट बाय डोनियर, निराला बाजार, तापड़िया सिटी सेंटर, अपर ग्राउंड फ्लोर। देखिए आज यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन, जिसके अंदर आरिफ हुसैनी साहब है, हमारे माजी विरोधी पक्ष नेता अयूब जागीरदार साहब है, फैजाबाद से इमरान पटेल साहब है, और तमाम ही लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पर आज कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। लेकिन हस्बी रिवायत वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये ठाना है कि शायद शहर के अंदर प्रॉब्लम और जितनी समस्या है सिर्फ दो ही दिन आती है औरंगाबाद में, तो वो दो ही दिन बैठेंगे यहाँ पर और दो दिन मुलाकात करके उसका निपटारा करेंगे, या फिर वो ये हफ्ते सुनेंगे और आने वाले कुछ हफ्तों के बाद में उसका निपटारा होगा, ऐसा शायद उन्होंने तय किया है। लेकिन आपके माध्यम से हम उनको कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये सीज़न जो है बारिश का सीज़न है और हर जगह औरंगाबाद के अंदर मसाइल खड़े हो चुके हैं, तो आपने ज़्यादातर वक्त यहाँ पर देना चाहिए। आपने जो है तो यहाँ के अधिकारियों को अलर्ट रखना चाहिए, क्योंकि बारिश कभी भी और किसी भी मतलब बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। मैंने भी उनको इससे पहले चौश कॉलोनी के पास में जो है तो एक महल्ला है हिमायत नगर, पिछले साल भी उसका संपर्क शहर से टूट गया था, इस कदर बारिश हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों ने नालों के ऊपर अतिक्रमण करके नालों को नाली में तब्दील कर दिया है। तो उनको यही कहना था कि वो नालों का चौड़ाई बढ़ाई जाए और वहाँ के लोगों को जो है तो सहायता की जाए कि अगर वहाँ के रोड ख़राब हो गए तो कुछ छोटा मोटा बजट निकाल के एटलीस्ट उनको रास्ता चलने के लिए दिया जाए। आज हालत यह है कि मैं समझता हूँ चौश कॉलोनी हो, महमूदपुरा हो, मुजफ्फरनगर हो, उसके बाद में फरत नगर हो, शहीदा कॉलोनी हो, जहांगीर कॉलोनी हो, यहाँ के लोग ऐसा लग रहा है कि औरंगाबाद शहर में है ही नहीं। वहाँ पे उनके साथ में भेदभाव भी हो रहा है, कॉरपोरेशन के अधिकारी भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब से आपके माध्यम से यहाँ के जितने अधिकारी है उनको हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आप बराए मेहरबानी दिल्ली गेट के बाहर के भी जितने एरिया है उनके साथ सौतेला सुलूक ना करें। अगर ये दो चार दिन के अंदर अगर कॉरपोरेशन एक्शन नहीं लेती है तो उसके बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने एक्शन में काम करेगी, क्योंकि अब सर से ऊपर पानी होता जा रहा है, तीन साल से जो है तो काम हुए नहीं। यहाँ पर एक एक करोड़ रुपए का बजट दिया गया, कोई अधिकारी कहता है कि 60 लाख कर दिए गए, क्यों कर रहे 60 लाख रुपया वाला? तीन साल से आपने लोगों से टैक्स लिए और उनको क्या 20-20 लाख रुपया आप साल के हिसाब से वार्ड के अंदर देंगे आप लोग? तो ये कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन में गलत हो रहा है। यहाँ के जो चीफ अकाउंट ऑफिसर है वाउल साहब, वो तो ऐसा समझ रहे हैं कि बिल्कुल उनके घर से लाके लगाना है और देना है पैसा, पब्लिक का पैसा है जनाब, पब्लिक के ऊपर ही खर्चा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे आप, आपके रिकामे कामों के अंदर खर्चा करेंगे, यहाँ पे बराबर कलर हो रहे हैं, यहाँ पे झाड़ू हो रही है, यहाँ पे हर चीज कॉरपोरेशन की बराबर चल रही, और शहर है तो कचरे के अंदर, शहर है तो पानी के अंदर, शहर है तो गड्ढों के अंदर। तो आज ये जैसे यहाँ पर जरूरत से ज्यादा सफाई कर्मचारी, जरूरत से ज्यादा दूसरे कर्मचारी है ये कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए हेड ऑफिस का हिसाब तो बाद में लेंगे, लेकिन अभी शहर की हालत बहुत खराब है और अधिकारियों को यही बोलने आए थे। आज पांजड़े साहब से मुलाकात हुई, फड़ साहब से मुलाकात हुई, वाउर साहब नहीं है, कमिश्नर साहब नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से शायद उन तक ये बात पहुंचा दी जाए कि शहर के अंदर हालत सुधारने के लिए आप लोगों को ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि लोक प्रतिनिधि ग्राउंड पे उतर के काम कर रहा है लेकिन कॉरपोरेशन से उसको सहायता नहीं मिल रही। देखिए आज शहर की हालत बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है, हर सड़क चीख चीख के कह रही है कि उनको मरम्मत की और उनको रिपेयरिंग की बहुत ज़रूरत। उसी तरह देखिए आपने जैसे माजी के अंदर ऐसा हुआ है कि निपुण विनायक साहब जब यहाँ पर कमिश्नर थे वो उन्होंने 2 साल में कोई काम नहीं किया। उसके बाद में पांडे साहब आए, पांडे साहब से बहुत सारी अपेक्षाएं थी कि वे शायद पांडे साहब कुछ काम करेंगे, उन्होंने भी 2 साल कोई काम नहीं किया और शहर स्मार्ट सिटी की तरफ बनाने जा रहे। आपने क्या किया 2 साल के अंदर? पांडे साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया, अपने खुद का रेसिडेंशियल, अपना खुद का जो गेस्ट हाउस है जहाँ पर वो रहते थे, करोड़ों रुपये लगा के उसको महल के अंदर स्मार्ट बना लिया और खुद के महल को स्मार्ट बना के समझ रहे कि शहर पूरा स्मार्ट हो गया और अब वो खुदा हाफिज़ होकर यहाँ से चले गए। अब आए हैं चौधरी साहब से बड़ी अपेक्षा है, बड़ी आशा है कि आपके जिम्मेदार अभियंता, चाहे वो वार्ड अभियंता हो, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या चाहे कोई हो, क्यों ये बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ का जो बजट दिया गया उसमें से खपात हो रही, जबकि आपने कोई शासकीय आदेश निकाला नहीं, आपका कोई आदेश उन तक पहुँचा नहीं, तो ये भ्रम और माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। और आपसे मैं खास तौर से कहूँगा आयुक्त साहब कि जैसा भी नासिर सिद्दीकी साहब ने बताया है कि नालों को नाले कर दिया गया है, आपके टाउन प्लानिंग के अंदर शीटें मौजूद हैं, शीट के हिसाब से आप एक जो है तो पूरे जितने नाले शहर के वो नालों की गिनती करके क्यों आप कहाँ के इंक्रूजमेंट नहीं हटाना चाह रहे, क्यों भूमाफिया को सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप? याद रखिए कि शहर के अंदर के नालों के ऊपर पूरा इंक्रूजमेंट भूमाफियाओं का है
उन्होंने प्लाटिंग निकाल के इलीगल बेची हुई है, आप उन पर FIR कराओ और नालों को खोलो, लोगों के घरों में पानी घुस रहा, सड़कें टूट के पड़ी है। यही सारी बातें लेके हम यहाँ पर आए थे। नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे अयूब जागीरदार साहब, फड़ साहब से हमारी बातचीत हुई और जैसे हमने बताया कि चंपा चौक से लेकर तो चेलीपुर तक का रास्ता टूटा हुआ है। आपने अभी जो है तो 2 महीने पहले वहाँ पर रिपेयरिंग का काम किया, वो अरोरा कंस्ट्रक्शन ने पूरा बोगस काम किया। हम वहाँ खड़े रह गए, बड़े मट्टी के ऊपर हमारा दाड़ा टिकने वाला नहीं है, पहले पानी में बह गया हो। नूरानी मस्जिद के पास, निशान के पास, आप जाएंगे डंडेबाज काजी साहब, जमील साहब के पास, सिटी चौरी चेलीपुरा पुलिस चौकी के पास आप जाके देखो हालत क्या है। और वैसे ही शहर के सब तरफ ऐसे हालात, तो कमिश्नर साहब को भी बैठ के शहर में घूमना पड़ेगा। और ये जो आप बता रहे हैं कि भाई पीर के दिन आइए और जुमे के दिन आइए और 2 दिन आके सिर्फ लोगों ने बात करना चाहिए, आपको आपका ये कानून बदलना पड़ेगा। आपको ये नहीं मालूम ये राय किसने दी थी, बहुत गलत राय है ये। लोग समझ से लेकर 4 साल से काम नहीं होंगे, आपके पास आएंगे पेट अभी दुख रहा और डॉक्टर साहब बोलेंगे पीर के दिन आओ, तो कैसा चलने वाला काम ये। तो आपको पब्लिक का टाइम देना पड़ेगा और लोक प्रतिनिधियों का टाइम देना पड़ेगा। और लोक प्रतिनिधि को जब भी टाइम पड़ेगा, लोक प्रतिनिधि आपके पास आने वाले हैं। आप कोई भी चिट्ठी लगाओ, आपके नियम आपके पास रखो। शहर तबाही के दाने पर खड़ा हुआ है, शहर में हमको विकास चाहिए। और ये डाले पांडे साहब का डाले भूल जाओ, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हम बार बार बड़े वही कमिश्नर ने पदभार संभालना जो फंड क्रिएट कर सकता, फंड जमा कर सकता और शहर को स्मार्ट बना सकता। अपने अपने हाउस को, अपने ऑफिस को स्मार्ट बना के शहर को स्मार्ट मत समझो। शहर अभी बहुत तबाही के दाने पर खड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें करने के लिए यहाँ आए थे। और वो अकाउंट ऑफिसर साहब तो जगह भाई नहीं, पांडे साहब मिले सिटी इंजीनियर साहब, उनको पूरी दुविधा बता दिए। उसी के साथ फड़ साहब मिले, उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पूरी दुविधा बता दिए। और कमिश्नर साहब का हम वेट कर रहे हैं, आने के बाद सारी समस्या उनके सामने रखने वाले। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।